शाजापुर में रोजवास जोड़ हाईवे पर टोल टैक्स की मनमानी वसूली को लेकर राजपूत करनी सेना पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रविवार को बड़ी संख्या में करनी सेना सदस्य रोजवास टोल नाके पर पहुंचे और यहां टोल कर्मियों द्वारा वाहन चालकों के साथ की जा रही अभद्रता तथा मनमानी टैक्स वसूली को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। करीब 2 घंटे तक नारेबाजी के साथ चले प्रदर्शन के बाद SDM एकता जायसवाल को ज्ञापन सौंपकर टोल टैक्स को कम किए जाने की मांग की गई। साथ ही मांग की गई कि शाजापुर के रहवासियों को टैक्स में छूट दी जाए। इस मौके पर करनी सेना पदाधिकारियों ने कहा कि रोजवास टोल नाके पर मनमानी टैक्स वसूला जा रहा है और इस बात पर यदि वाहन चालक आपत्ति जताते हैं तो उनके खिलाफ टोल के जिम्मेदार झूठा प्रकरण पुलिस में दर्ज करा देते हैं। टोल कर्मियों की मनमानी नहीं चलेगी और करनी सेना इसको लेकर लगातार प्रदर्शन करेगी। वहीं टोल नाके पर बाहरी लोगों की बजाय स्थानीय लोगों को नौकरी पर रखने की मांग की गई है। के द्वारा आज रोजवास टोल पर अपनी कुछ मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। टोल के अधिकारी इंदौर से हमने बुला लिए थे तो उनकी बैठक भी करवा दी है। उनकी जो मांगे हैं उसको लेकर के टोल कर्मचारियों और अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि वो 15 दिन में उनकी मांगे मान लेंगे। जो भी मांगने होगी होगी और जो राज्य शासन से संबंधित होगी आगे अधिकारियों को फॉरवर्ड करनी होगी वो कर देंगे। इस मुख्य जो लोकल के हैं MP 13-20 किलोमीटर के रेडियस में जो भी लोग आते हैं उनके द्वारा हमारे द्वारा उनको अवगत करा दिया गया है कि आपको 15 दिन का टाइम दिया जा रहा है। आपके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करेगा हमारी अगली कार्यशैली क्या होगी, हमारी अगली कार्रवाई क्या होगी। उन लोगों ने ऊपर से पूछ करके बताने का आश्वासन दिया है कि हम लोग ऊपर से अप्रूवल ले लें और आपकी लिस्ट या फिर आपके लोकल के परिचय पत्र के माध्यम से हम लोग रियायत दे सकेंगे। लेकिन उन्होंने ऊपर का बोला 20 किलोमीटर के रेडियस का। कितने दिनों की अवधि दी है? उनने 15 दिन की अवधि दी है। 15 दिन के बीच में भी यदि किसी तरह की चीज़ें हैं तो वो 15 दिन इसीलिए हैं कि ये किस तरह की रियायत देते हैं लोकल को, अन्यथा राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना फिर इसके खिलाफ खड़ी है। दूसरा मीटिंग में ये भी निर्णय हुआ है कि जो प्रबंधक इनका जो है चौहान यहाँ पर अधिकांशतः बदतमीजी करता था और जो मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा था उस प्रबंधक को तुरंत तत्काल से प्रभाव से हटा दिया जाएगा। आजकल में इस चीज़ की सूचना मिल जाएगी। लोकल लोगों को रोजगार देने की भी आपने कहीं ना कहीं मांग की थी? हमने लोकल लोगों को रोजगार देने की बात रखी है। शाजापुर से हरीश कुशवाहा की रिपोर्ट।